पुलवामा आक्रमण परे परे ही पाकिस्तान को कड़ा जवाब देवा पाई प्रस्तुत होइतिला विस्तृत रणनीति। एयर स्ट्राइक पाई रणनीति प्रस्तुत करथिले भारतीय वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ। पुलवामा आतंकवादी आक्रमण परे पीओके रु शताधिक आतंकवादी और ट्रेनर को बालाकोट स्थानांतर करी आश्वस्त होइतिला पाकिस्तान, किंतु एहा बुमेरांग साबित होइतिला। भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना अतिक्रम करी बालाकोट को मुख्य टार्गेट करथिला। बालाकोट रे ही पुलवामा आक्रमण रा षड्यंत्र रचा जाइथिला। पुलवामा आतंकवादी आक्रमण परे परे ही प्रतिशोध पाई प्रस्तुत होइतिला योजना। पीओके सक्रिय आतंकी आडा ध्वंस पाई प्रस्तुत होइतिला ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान भितर एयर स्ट्राइक पाई रणनीति प्रस्तुत करथिले वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ। एलओसी रे सेना और वायुसेना पक्षर होइतिला एयर सर्विलांस। ड्रोन भी व्यवहार करा जाइतिला। फेब्रुवारी 20 और 21 तारीख रे टारगेट चिन्हट होइतिला। ऑपरेशन पाई गठित होइतिला दुईटी मिराज स्क्वाड्रन। 12 मिराज 2000 लड़ुआ विमान ऑपरेशन रे व्यवहार पाई निष्पत्ति होइतिला। एम्बायर प्लाटफर्म आर्ली वार्निंग जेट और मिड एयर रिफेलर ट्रायल रन होता। 12 मिराज 2000 लड़ुआ विमान लेजर गाइडेड बोमारे सज्जित हो पर्यायक्रमे टार्गेट अभिमुखे उड़ान भरते। टार्गेट को सठिक भाव ध्वंस करने लेजर पैड व्यवहार कर। सूत्र सूचना मिली वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पुलवामा आक्रमण दिनक पर अर्थात फेब्रुआरी 15 में एयर स्ट्राइक विकल्प नहीं जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोवाल आलोचना करते। बालाकोट्रे पुलवामा आक्रमण पर षड्यंत्र हो स्थान को टार्गेट पर निष्पत्ति। बालाकोट्रे ही पाक सेनार बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी और आतंकवादी को एलओसी रेड पर ट्रेनिंग दि जाऊला। मंगलवार भोर में पाकिस्तान में भारत एयर स्ट्राइक जो जैश टॉप कमांडर मैंने निपात होती। सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटर सदस्य को ए विषय अवगत करती जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोवाल। एयर स्ट्राइक रे 25 जैश कमांडर निहत होती। आतंकिक फायरिंग रेंज एक्सक्लूसिव टेस्ट फैसिलिटी 13 ट्रेनर को वातानुकूलित ऑफिस प्रमुख एयर स्ट्राइक रे ध्वंस पाई। एसओ व्यवस्था पाक सेना और आईएसआई पक्षर निर्माण होता। पीओके एयर स्ट्राइक बेले साउथ ब्लॉक रो सिचुएशन रूम रे थिले प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बालाकोट आक्रमण नहीं सर्वदलीय बैठक वैदेशिक व्यापार मंत्री सुषमा स्वराज के अध्यक्षतार होता बैठक में पाकिस्तान रे भारतीय वायुसेनार आक्रमण नहीं हो आलोचना। एथेर कांग्रेस सीपीएम समाजवादी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसीपी बीजेडी शिवसेना प्रभृति दलर प्रतिनिधि जोगद बीजेडी पक्षर सांसद भर्तृहरि महता भी जोगद। बैठक में सबू दलर नेता वायुसेनार कार्यानुष्ठान समर्थन जनपरी एक आक्रमण संपर्क में भारतीय सरकार अमेरिका ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया चीन फ्रांस इजराइल समेत मोट 11 देश को अवगत कराई। केंद्र सरकार कहते यह पाकिस्तान उपरे नुहे आतंकवादी उपरे आक्रमण थिला। टेररिस्ट कैंप पे था जहां सभी ट्रेनीज और ट्रेनर्स इकट्ठे हो गए थे। फिदायन अटैक करने वाले जमा हुए थे जो कि सरकार ने ब्रीफ किया था और इसमें कोई सिविल का आदमी नहीं मारा गया, सिविलियन नहीं मारा गया। ये बहुत अच्छी बात थी और उसके साथ साथ ही टेररिस्ट जो कैंप था वो भी ध्वस्त हो गया। ये इसके लिए एयरफोर्स को बहुत बहुत बधाई। ऑल पार्टी मीटिंग रे सबू राजनैतिक दल इंडियन एयरफोर्स रो सफलता को स्वागत करिसंती एवं कौनसी सिविलियन कैजुअलिटी पाकिस्तान रे हेई नाही। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रे जो भली भाव रे ये प्रकार रो कार्यानुष्ठान ग्रहण करागला सेति पई प्रत्येक राजनैतिक दल ताकू साबासी देईची बिजु जनता दल मध्ये देईची। पाकिस्तान उपरे भारतर द्वितीय सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत पाक सीमांत रे भारत पक्षरु हाई अलर्ट जारी करा जायची। सीमांत रे मुतयन सुरक्षा बलंकु हाई अलर्ट रे रखा जिबा सहित भारतीय वायुसेना पक्षरु समस्त एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्राइकिंग मोड रे रखा जायची। तद व्यतीत देशर समस्त अंतर्जातीय सीमा को मध्य हाई अलर्ट मध्य रखा जायची। यदि पाकिस्तान पक्षरु कोनोसी प्रकार रा सामरिक कार्यानुष्ठान हुए तबे तुरंत तार जवाब देबा पई भारतीय वायुसेना पक्षरु समस्त एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्राइकिंग मोड रे रखा जायची। सहित सीमांतवर्ती राज्यगुड़िक पुलिस बाहन को हाई अलर्ट मध्य रखा सहित सीमांतवर्ती गांवगुड़िक बसवास कर लोकमानंकु प्रतिषेधमूलक व्यवस्था स्वरूप संध्या पर कौन प्रकार आलोक न जलाइबा को परामर्श दी जाइछि।
ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ କଣ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ, ପାକିସ୍ତାନ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟର ଭୂମିକା କଣ ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପାକିସ୍ତାନ ଅପନି ତରଫ ସେ କୁଛ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରେ କି ଇନ୍ହୋନେ ଛୋଟି ଛୋଟି ଚିଜେ ଗିରାଇ ହେ, ଲେକିନ ବାକି ମେ ଜୋ ହକିକତ ହେ ଓ ୟେ ହେ କି ହମନେ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପସ ଜୋ ପାକ ବ୍ୟାପ୍ତ କଶ୍ମୀର ମେ ହେ ଉନକେ ଉପର ହେଭି ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ କିଆ ହେ। आप सोचिए 12 मिराज 2000 विमान, ये यहां पर जाना मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है, ये वहां पर जाना बम गिराना और वापस आना, ये कितना बड़ा धमाका किया होगा पाक व्याप्त कश्मीर में। हिंदुस्तान का जो रिजॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ कि टेररिज्म आप बंद करें, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम रिजर्व करते हैं रिटेलिएशन के लिए, और वो आज शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान भी हो सकता है रिटेलिएट करे अपना ये लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी मैंने भी कुछ किया है, वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है या एयरफोर्स के स्ट्राइक कर सकता है या इवन अपने कुछ जो सिपाही हैं जो लैंड फोर्सेस हैं उसके साथ कर सकता है। पर भारत पूरा क्षमता है उसके अंदर और पूरा प्रिपेयर्ड है कि उसको थॉट करने के लिए, उनकी जो स्ट्राइक्स है उसको बंद करने के लिए। पाकिस्तान ये सब देखने के बाद दे हैव टू रिकैलिब्रेट देयर पॉलिसीज, दे हैव टू रिकैलकुलेट वेदर इस तरह की टेरर स्ट्राइक्स, इस तरह की जो टेररिज्म जो इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं वो उनके हित में है या नहीं है, इस ये पाकिस्तान के लिए समय है कि बैठ के इसके ऊपर वो सोच करें और इसको सुधारें। लगता है यूनाइटेड नेशंस चार्टर में लिखा हुआ है चैप्टर 7 में, आप अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते हैं, और यूनाइटेड नेशन में वोट हो गया था कि जैसे मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल और मसूद अजहर इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अगर जो यूनाइटेड नेशन ने कहा तो मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशन के चार्टर से अटैक करेंगे, और 3:30 बजे अटैक हो गया। नुकसान ज़रूर हुआ होगा, अब देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ उस तरफ और पाकिस्तान क्या करेगा। अन्य खबर को जवाब अयोध्या जमी विवाद मामलार समाधान मध्यस्थता जरिया करिवा उपर जोर देखते सुप्रीम कोर्ट, तबे हा उपर आसंता मंगलवार दिन शुणी हेबो। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद समाधान जदि मध्यस्थता जरिया पार एक 1% भी संभावना रही था तेरे खोज बाहर करने आवश्यकता रही मत देते सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट आहरी कहते यह कौन व्यक्तिगत जमी विवाद प्रसंग नुहे, तेणु बाबद्रे समस्त पक्ष चिंता करार आवश्यकता रही। सेपटे अयोध्या जमी विवाद मामलार शुणी को 6 सप्ताह जाए घुंचाई दी जाए, ये परिमाण में बदास्पद जे यार समाधान मध्यस्थता मध्यम होवार आवश्यकता रही। अयोध्यार बदय स्थली बाहर रही 67 एकर जमीर मालिकाना को सरकार को प्रदान करने केन्द्र सरकार पक्षर् आगत एक मामलार शुणी करने अवसर में मत दे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने पार्टी से रिक्वेस्ट की कि इस मैटर को मीडिएट करके खत्म किया जाए, पर दोनों पार्टीज ने कोर्ट के सामने स्पेसिफिक रूप से कहा कि इसमें मैटर में मीडिएशन नहीं चाहते हैं वो, और इसलिए इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम पक्ष का हमेशा से स्टैंड यही रहा है कि वो मीडिएशन के लिए रेडी नहीं है, और आज भी उनका यही कहना रहा कि मीडिएशन के लिए रेडी नहीं, पर अगर कोर्ट परसिस्ट करेगी तो मीडिएशन के दोनों पार्टी जा सकती है। कोर्ट ने अपना ऑर्डर इसमें रिजर्व रखा है और अगले ट्यूजडे को कोर्ट दोबारा बैठेगी। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶାଖପାଟନାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ T20କୁ ଭାରତ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତେଣୁ ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିବା ଲାଗି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ହେଉଛି ଭାରତ 360 ଖବର ପୋର୍ଟାଲ ପାଇଁ ଥିଲା। ନମସ୍କାର।